गुड्डू मुस्लिम को लेकर यह बड़ी जानकारी है। आपको हमने कल ही खबर बताई थी कि वो कैसे हिंदू नामों के सहारे बचने की कोशिश कर रहा है, फर्जी पहचान पत्र के जरिए बचने की कोशिश कर रहा है, और अब खबर यह है कि मंत्रों का फायदा उठाकर वो पुलिस को चकमा दे दे रहा है। पुलिस लगातार गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जब भी उससे पूछताछ की जाती होगी या कहीं पर उसे रोका टोका जाता होगा तो वो गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा सुनाकर ये बताने की कोशिश करता होगा कि देखिए वो मुस्लिम धर्म से नहीं बल्कि हिंदू धर्म से है, और ऐसे में उसका ये हथकंडा जिसके जरिए वो अब तक बचता आ रहा है। ये बड़ा खुलासा हुआ है गुड्डू मुस्लिम पर सूत्रों के हवाले से। गायत्री मंत्र गुड्डू मुस्लिम जानता था, लेकिन ये गुड्डू मुस्लिम वही गुड्डू मुस्लिम है जो बम बनाने में मास्टर माना जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बम बनाने का सामान वो अपनी जेब में रखा करता है। अब गुड्डू मुस्लिम पर पूर्व आईपीएस राजेश पांडे ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये बताया कि हॉस्टल में नाम बदलकर रहता था गुड्डू मुस्लिम। चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल में उसने अपना ठिकाना बनाया था, दो फर्जी नाम से अपने पहचान वो बताता था, और आयुष चौधरी और आशीष चौधरी नाम वो बताया करता था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बमबाजी की वारदातों में यह शामिल भी रहा है। अपराध में बमबाजी जो है वो लखनऊ के लिए बिल्कुल नई चीज थी, कभी यहां अपराध में उसके पहले भी नहीं और उसके बाद भी अपराध में बम का प्रयोग लखनऊ में नहीं किया जाता। तो गुड्डू मुस्लिम ने ही लखनऊ में बमबाजी की, बमबाजी की प्रथा का आरंभ किया, वो भी कैंपस से। उस समय इसको शुरू में कुछ लोगों ने बताया कि साहब आयुष चौधरी के नाम से जानते थे, लेकिन जितना मैं जानता हूं इसको आशीष चौधरी कहते थे। और अलग अलग जो स्टूडेंट गुट थे, उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप था, तो ये आपस में रोज झगड़ा करते थे। कभी इस हॉस्टल के छत से बम चल रहा है, कभी नरेंद्र देव से, कभी गोल्डन जुबली से, तमाम छात्रों से जगह से, और एक ग्रुप इसको पालता पोसता था इसीलिए कि ये बिल्कुल रेडीमेड बम बना के, और जब आपस में झगड़ा हो तो बम का प्रयोग होता था।